बिहारी रोड के हार्डवेयर दुकान में बदमाशों ने दुकानदार संचालक को मारपीट कर किया लूटपाट। घटनास्थल पर से स्कॉर्पियो बरामद। दरअसल बता दें कि बुधवार की रात्रि 7:30 बजे हिलसा सर्क बिहारी रोड SBI ATM के पास स्थित हार्डवेयर दुकान से दुकानदार संचालक अवधेश प्रसाद के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दुकान के गले में रखे 40 से 50 हज़ार रुपया लूट कर फरार हो गया है। इस संदर्भ में दुकानदार संचालक से पूछे जाने पर बताया कि वह हिलसा थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव निवासी सुखदेव प्रसाद के पुत्र अवधेश प्रसाद है, जो कि हार्डवेयर का दुकान बिहारी रोड में चलाते हैं। बुधवार की रात्रि में 7:30 बजे स्कॉर्पियो से 5-6 की संख्या में दुकान के सामने कुछ लोग उतरे और दुकान के सामने ही तूतू मैं करने लगे, जिसका मैं विरोध कर कहा कि आप मेरे दुकान के सामने झगड़ा न करें, कहीं और जाकर करें। तभी बदमाशों ने लोहे के रड से मारपीट कर जख्मी कर दिया और दुकान के गले में रखे 40 से 50 हज़ार रुपया लगभग लूट लिया और फरार हो गया। इस संदर्भ में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अवधेश प्रसाद के द्वारा हिलसा थाना में आवेदन दिया गया है। हिलसा पूर्वी जिला परिषद के सदस्य संजय कुमार ने बताया कि जब मैं देखा कि दुकानदार संचालक को मारपीट कर रहा तो मैं भी छुड़ाने गया था, जिसमें मैं भी जख्मी हो गया है। हालांकि इस घटना की सूचना पाते ही घटनास्थल पर हिलसा थाना के पुलिस दलबल के साथ पहुंची और घटनास्थल पर से ही स्कॉर्पियो जब्त कर हिलसा थाना लेकर आई है। इस मामले की पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है।